प्लीज टाइम। धरना देंगे लेकिन पॉलिसी तो हम लेकर रहेंगे, और इस बार फिर हम वोट भी नहीं देंगे, जो हमारी पॉलिसी बनाएगा हम उसे ही वोट देंगे। अगर ये हमारी पॉलिसी नहीं बनाते हैं तो वादा है मेरा और अपने अतिथि शिक्षकों की तरफ से कि हम इन्हें सत्ता में नहीं आने देंगे। ये हमें सिर्फ 25,000 समझ रहे हैं, ये 25,000 ना जाने कितने परिवारों से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटियां देख लो 9-10 साल दे के स्कूलों में आज रोड पर आ गई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सर जब टीचर ही रोड पे बैठा है विकास कहाँ से होगा, कहाँ से इंजीनियर लाओगे, कहाँ से डॉक्टर लाओगे, विकास कैसे होगा। दिल्ली में शिक्षा का स्तर जो है निचले स्तर पर जा चुका था, इन गेस्ट टीचरों के वजह से आज दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों का जो शिक्षा स्तर ऊपर उठ के आया है इन्हीं गेस्ट टीचरों के वजह से। आज ये गेस्ट टीचर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का इनका मेन वजह है कि इनको नियमित किया जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र धवन है, मैं 2011 से गेस्ट टीचर हूँ, और जो है हम कई सालों से प्रयास कर रहे हैं सड़कों पर अपने हितों के लिए, लेकिन जो सारी उदासीनता है वो LG की है। LG जो है BJP के द्वारा नियुक्त हैं, और हम जो है इसलिए यहाँ पे BJP कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं ताकि BJP के जो नरेंद्र मोदी समेत जो उच्च जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए अधिकारी इस बात का जवाब दें कि जब वो हरियाणा में 60 साल की पॉलिसी पास कर सकते हैं तो उनके द्वारा नियुक्त LG जो है दिल्ली में क्यों पॉलिसी नहीं बनाता है। 23 मार्च को कोर्ट में हियरिंग है, वहाँ पर क्यों LG नहीं बताता है कि हम पॉलिसी सरकार ने अपना दे रखा है मेमोरेंडम। हाँ जी, किया जाए नहीं अमित। हाँ, दिल्ली जो मनीष सिसोदिया जी के प्रयास है और जो मनोज तिवारी जी के प्रयास है वो पिछले एक साल से चल रहे हैं, और वो सारे के सारे LG पे जाकर खत्म हो जाते हैं। तो LG के जो है अभी आदेश जो है मिलना चाहिए। अभी LG के जो वकील हैं अगर 23 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होकर कोर्ट में ये कह देते हैं कि हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो हमारा रिन्यू हो सकता है। अब हालत ऐसी बनी हुई है कि कोर्ट के कारण जो है सारा मामला रुका हुआ है, कोर्ट में जो है कि वो जो है रिन्यू नहीं हो पा रहा है। सर LG की कोर्ट तो अलग मामला है, कोर्ट में जब आएगा आएगा। सरकार की तरफ से आप चाहते हैं, LG की तरफ से चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको लाए, है ना जी? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरती है और मैं TGT इंग्लिश हूँ। मैं 2013 से लगातार एक ही स्कूल में एक ही ID से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी तक हमारी वही हालत है जो पहले थी। अभी भी हमें 2-4 महीने के लिए रिन्यू करा जाता है। 17 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, कोई आश्वासन मिला किसी अधिकारी की तरफ? सर इतना ही है, 17 दिनों से लगातार प्रदर्शन करके एक पता नहीं सही है कि नहीं है, जिसको BJP बोलती है, LG साहब बोलते हैं इम्प्रॉपर है, एक कैबिनेट नोट मिला है, बस हम उसमें भी ये चाहते हैं। अभी भी हम ये नहीं चाहते कि अगर पॉलिसी अगर हमारी थोड़ा टाइम भी लगता है उसको बनाने में, उसको टाइम ले लें, पर कम से कम एटलीस्ट तब तक हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। जो हम रोज रोड पे आ जाते हैं, जो हमारी कंडीशन रोज खराब हो जाती है, हमें पता नहीं होता कल क्या होगा, वो चीज उस चीज को हम खत्म करना चाहते हैं कि हमें जॉब सिक्योर। जब यहाँ LG जो है हरियाणा UP MP में पॉलिसी बन सकती है तो दिल्ली में क्यों नहीं? वहाँ पे भी BJP की सरकार है, जब यहाँ भी LG जो BJP अपॉइंट करता है तो यहाँ पे साइन नहीं कर सकते। हरियाणा में इन्होंने कर दिया, दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे? सर वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्यों नहीं कर रहे। वहाँ पे इनकी सरकार है तो इन्होंने कर दिया, यहाँ पे आपकी सरकार है तो नहीं। हाँ राजनीति, बिल्कुल सर राजनीति। सर 17 दिनों से हमें बिल्कुल बेरोजगार कर रखा है, डेली हम दवाई खा खा के यहाँ पे आ रहे हैं, कल तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए। हमारे यहाँ पर नहीं है कुछ भी, हमारे यहाँ पे पैसे खत्म होते जा रहे हैं, हम कैसे बच्चों को पालेंगे कैसे करेंगे? सरकार कुछ सोच भी रही है हमारे बारे में? कुछ नहीं सोच रही। देखिए प्रोटेस्ट करने का अलग तरीका इन्होंने देखिए लिख रखा है, शिक्षा एकता 60 ईयर जिंदाबाद। पूनम पूनम कहाँ से आई है? दिल्ली से। कौन से स्कूल में पढ़ाती है? प्लस वार डेरी। 17 दिन से लगातार प्रदर्शन करना चाहे कर रही है यहाँ? हाँ जी सर। क्या आपकी पूरी मांग क्या है? सर हम पॉलिसी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें पॉलिसी मिल जाए, इतना ही बहुत हमारे लिए। आपको लगता है सरकार आपकी मांग पूरी करेगी? 17 दिन हो गया है कोई मिलने नहीं आया आपसे। जब तक नहीं करेगी हम यही बैठे रहेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो हम यही मर जाएंगे, लेकिन ऐसे बिना पॉलिसी लिए अपने उठेंगे नहीं यहाँ से, बिना पॉलिसी लिए नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। सर हमारे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर 17 दिन में तो पत्थर भी पिघल जाए और हिंदाले को शर्म नहीं आती, अंदर बैठे और हम यहाँ पागलों की तरह बोले जा रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा, बह रहे हैं साले। आपको हटाया भी गया है, एक जगह से प्रदर्शन कर रही थी, दौड़ा दौड़ा के खदेड़ा भी गया है। हाँ जी सर हटाया, हमारे कुछ साथियों को चौकी में बंद कर दिया, किरण वालिया जी ने छुड़वाया हमें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ हमारा, उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया, कोई हमारे साथ नहीं है इस समय।
है, सिर्फ वोट बैंक है इनका और कुछ नहीं है इसके अलावा। पूरी मांग है, आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि हमारी 60 इयर्स की पॉलिसी बने, हम सबको चाहिए जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग 5-5, 10-10 सालों से लगे हुए हैं। एकदम से 22,000 लोगों को सरकार ने निकाल के बाहर कर दिया, उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि इस 22,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका घर कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा। 22,000 यूथ ऐसे सड़कों पर बैठा है, सरकार क्या सोच रही है कि हम आवाज़ भी नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, और 60 ईयर की पॉलिसी तो हम बनवा के ही रहेंगे सरकार से, वरना हम डटे रहेंगे। अगर एलजी आपकी बात पूरी नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? एलजी हाउस पे धरना देंगे, जैसे यहाँ कर रहे हैं वैसे ही वहाँ पर भी हम धरना देंगे, लेकिन पॉलिसी तो हम लेकर रहेंगे। और इस बार फिर हम वोट भी नहीं देंगे, जो हमारी पॉलिसी बनाएगा हम उसे ही वोट देंगे। आप लोग अपने वोट का जो अधिकार है, हाँ जी, उस पे आप लोग जवाब देंगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे सर, जो हमारी पॉलिसी बनवाएगा हम तो उसको ही देंगे, वही हमारा जो नारा है। आम आदमी पार्टी आपकी पॉलिसी को आगे बढ़ाया है या नहीं? हाँ, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी ने हमारे कैबिनेट नोट एलजी के पास भेजा था, अब आगे का काम एलजी को करना था। क्या कहना चाहिए? मैं दिल्ली के सरकारी विद्यालय में कार्यरत एक अतिथि अध्यापिका हूँ। आज हमारे धरने को पूरे 17 दिन हो चुके हैं, हम लगातार इनसे विनम्र निवेदन करे जा रहे हैं, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से, ये दोनों ही अपने अपनी धुन में मगन हो रहे हैं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, वोट के टाइम पर ये हमारे से हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं, आज हम इनके यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, इतने दिनों से हम विनम्र निवेदन करे जा रहे हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों हमारे लिए 60 साल की एक पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट अलग अलग राज्यों में बना रही है, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश में हो, हमारे लिए भी ये पॉलिसी बना दे। नहीं बनाती है तो आप क्या करेंगे? अगर ये हमारी पॉलिसी नहीं बनाते हैं तो वादा है मेरा और अपने अतिथि शिक्षकों की तरफ से कि हम इन्हें सत्ता में नहीं आने देंगे। ये हमें सिर्फ 25,000 समझ रहे हैं, ये 25,000 ना जाने कितने परिवारों से जुड़े हुए हैं। मैं घर घर जाऊंगी और अपने शिक्षकों से भी कहूंगी कि घर घर जाके, अब तक हम इनके लिए वोट मांगते थे, अब हम घर घर जाकर ये कहेंगे कि जो शिक्षकों का सम्मान नहीं करते वो तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं करेंगे। देखिए, इनका कहना है कि हम 25,000 नहीं, हमारे और भी है, हम घर घर जाके प्रचार करेंगे और हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम अपने वोट का अधिकार जो है वो हम अप्लाई करेंगे और सत्ता से उनको बाहर करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहिनी। क्या कहना चाहती हैं? हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी 60 साल की पॉलिसी बना दी जाए। 17 दिन से हम सभी गेस्ट टीचर्स यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, हमारा घर परिवार सब परेशान है हमारी जॉब को लेकर, क्योंकि बहुत सारे टीचर 10-10 सालों से इस जॉब में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अचानक से उन्हें निकाल दिया गया स्कूलों से। अगर जॉब सिक्योर नहीं है तो क्या आप मेंटली डिस्टर्ब भी रहती हैं? हमेशा हम मेंटली डिस्टर्ब ही रहते हैं, हमारे सर पे तलवार लटकी रहती है कि कभी कोई परमानेंट टीचर हमारी जगह आएगा तो क्या आपको और मन लगेगा? नियमित हो जाएंगे तो सारे टीचर मेंटली सेटिस्फाइड होंगे, फिर वो और मन से पढ़ाएंगे स्कूलों में। देखिए, इनका कहना है अगर मेंटली सेटिस्फाई हो और हमारे ऊपर तलवार लटका ना हो, नौकरी का खतरा ना हो, तो हम और भी अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या कहना चाहती हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि हर दिवाली पे वो सेंट्रल जो जॉब वाले हैं उनको वो तोहफा देते हैं, होली का त्यौहार आने वाला है, इन 22,000 अतिथि शिक्षकों को भी एलजी से साइन करवा के तोहफा दे दे पॉलिसी के रूप में। देखिए, जो घर में खाने वाली महिलाएं आज देखिए रोड पे बैठकर इन्हें खाना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं। देखिए कहाँ रोड पे बैठ के खाने को इन्हें मिल रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे आज रोड पे बैठ के क्यों खाना पड़ रहा है। आज आप रोड पे बैठकर खाना खा रही हैं, क्या ऐसा हो गया? आपको घर नहीं था खाने के लिए? सर तब से बैठे हुए हैं, 15 दिन से तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, अपनी सारी मांगे रख रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, घर पे बैठ के तो खाना नहीं खा सकते ना, कोई किसी का दिल पसीजे वहाँ पे कि हम यहाँ पर बैठे हुए, हमने कभी सोचा भी नहीं था रोड पे बैठ के, और वो भी हम टीचर्स हैं, टीचर्स बैठ के जो बच्चों को सिखा रही हैं, कल्चर सिखा रही है, सब मनाने के लिए यहाँ तो नहीं आई है, रोड पे बैठ के खा रही हैं। सर पिकनिक मनाने जाते तो कोई अच्छी जगह जाएंगे ना, बीजेपी कार्यालय के बाहर कोई पिकनिक तो नहीं मनाने आएगा। ये बहुत दुख की बात है यार, टीचर रोड पे बैठकर खाना खा रहा है लगातार 17 दिन से प्रदर्शन। यही तो है सर, अब पेट का तो सवाल है, खाना तो हम लोग खाएंगे। देश की यही विडम्बना है कि आज शिक्षक रोड पे बैठकर आज खाना खाने पे मजबूर है, विवश है, तो आप समझ सकते हैं भावी बच्चों के भविष्य के लिए इनको नियमित किया जाए, इनकी मांग है, हम जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटियां देख लो 9-9, 10-10 साल दे के स्कूलों में आज रोड पर आ गई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, हम ये धूप में इतनी मेहनत कर रहे हैं पर कोई हमारी शिकायत नहीं सुन रहा है।
कहाँ से आए हैं? हम हिमाचल प्रदेश, हम यहाँ से दिल्ली से आए हैं, आया नगर से सर। और हम ये सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, इतने दिनों से हम 17 दिन हो गए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हुए, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम अपनी सरकार से बहुत नाराज़ हैं और खासकर मोदी जी से, जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ विकास है? अगर विकास करने वाले हैं तो हम ही हैं, क्योंकि जो एक टीचर होता है, विकास की गंगा बह रही है, आप कहते हैं विकास नहीं हुआ। हाँ विकास तो हुआ है, लेकिन विकास करने वाले कौन है? टीचर ही है। वही बच्चों को आगे, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो वो टीचर ही उनको बना रहा है। अगर बनाने वाले, जब टीचर ही रोड पे बैठा है, विकास कहाँ से होगा? कहाँ से इंजीनियर लाओगे, कहाँ से डॉक्टर लाओगे? विकास कैसे होगा जब टीचर ही रोड पे बैठा है? मोदी जी एक तरफ तो रोजगार बांट रहे हैं, इतना इतना खोल रहे हैं, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्यों आपको अच्छा लग रहा है रोड पे बैठने में? अरे सर आपने क्या बात कह दी, सरकार को बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम सड़क पे बैठे हुए हैं। आप तो हमारे पतियों को भी एतराज होने लगा है कि तुम किस सरकार की बात कर रही हो, वो सरकार कुछ नहीं करने वाली। और देखिएगा हमारा पूरा खानदान, हमारा शिक्षक का पूरा परिवार कोई वोट देने नहीं जाएगा। और ये सरकार क्या समझती है जिसको हमने बनाया है? कितने वोट होंगे आपके? सर 1 लाख से ज्यादा ही होंगे हम परिवारों में वोट, सबके घर में 8-8, 10-10 वोट कैंडिडेट है। आप किसी को वोट नहीं देने देंगे इस सरकार को? नहीं सर, और हम किसी को भी वोट नहीं देने देंगे, अपने पड़ोसियों को भी कन्विंस करेंगे कि वोट देने मत जाओ, शिक्षकों के साथ ये व्यवहार हो रहा है। देखिए शिक्षकों में गुस्सा है और ये चाहते हैं कि इनको जो मांग है वो पूरी की जाए, नहीं तो ये घर घर जाके अपने पड़ोस में जाके लोगों को कन्विंस करेंगे। और ये चाहेंगे कि जो सरकार इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है करेगी, उसको सत्ता से बाहर कर देंगे। तो इस तरह की न्यूज़ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।